हाथरस हादसे की एसआईटी और न्यायिक जांच हो रही है। सीएम योगी अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं और जवाब तलाशा जा रहा है कि हाथरस की घटना हादसा है या फिर साजिश। अब मुख्यमंत्री के इस सवाल पर अखिलेश यादव के साथ ही रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया आई है, तो दूसरी तरफ बाबा नारायण साकार घटना के बाद कहां फरार हो गया? क्या बाबा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? ये सवाल भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी, कौन इसके पीछे? अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़ें। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं। हादसा है ये, कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। 2 जुलाई दिन मंगलवार को हाथरस के फुलरई गांव में मौत का ऐसा तांडव हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सुलह जिलों के 121 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सख्त कार्रवाई और एक्शन की बात करे, लेकिन इतना तो साफ है कि हाथरस कांड घोर लापरवाही, प्रशासन की नाकामी और भोले बाबा के जबरदस्त सियासी रसूख की वजह से ही हुआ है। दो तस्वीर में बाबा के रसूख और राजनीतिक संरक्षण की कहानी समझिए। पहली तस्वीर भगदड़ से ठीक पहले की है, जब लाखों की भीड़ कार्यक्रम स्थल से लेकर सड़कों पर थी, लेकिन जब किसी ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो बाबा के सेवादार वीडियो बनाने वाले को धमकी देने लगे। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जो भगदड़ के ठीक बाद की है, जिसमें बाबा नारायण साकार काफिले के साथ सफेद कार से फरार हो रहा है। अब बाबा के इसी सियासी कनेक्शन और संरक्षण पर कल सीएम योगी ने भी सवाल खड़े किए थे, जिस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी, यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसके तह में जाना आवश्यक है। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। सीएम योगी जहां मौत पर सियासत करने वालों पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं उन सवालों के जवाब भी तलाश रहे हैं, कहीं ये हादसा साजिश तो नहीं। सीएम योगी के सवाल पर अब सपा सांसद रामगोपाल यादव की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। ये हादसा तो हादसा ही होते हैं, सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई और जब वो चले और पीछे लोग चले, जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी, लेकिन हादसा है ये, कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या बाबा साकार को बचाने के लिए सियासी ताकत जोर लगा रही है? क्या बाबा साकार को सियासी संरक्षण मिल रहा है? क्योंकि जिस बाबा की तलाश पूरे देश को है,
वो बाबा हादसे के बाद से फरार चल रहा है। और हैरानी इस बात की भी, आखिर बाबा साकार पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और कार्रवाई की बात की जाए तो हाथरस कांड पर अभी तक जो बड़ी कार्रवाई हुई है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आईजी शलभ माथुर ने कहा बाकियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। साथ ही उन्होंने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि मुख्य आरोपी पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया है। देव प्रकाश मधुकर जिस पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है, साथ ही लुकआउट नोटिस भी जारी किया जाएगा। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1,00,000 की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1,00,000 का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके NBW की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खास तौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, या किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। और हाथरस में हुई भगदड़ की कांड की तस्वीरें हर किसी ने देखी, लेकिन यह अंदाजा शायद ही किसी को था कि जिस बाबा के दरबार में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी वो इतना प्रभावशाली होगा कि सियासत के बड़े बड़े चेहरे उसके इर्द गिर्द घूमते हों। आइए आपको दिखाते हैं बाबा के बंद दरवाजे से आई एक और चौंकाने वाली तस्वीर। बाबा सूरजपाल ने अपना साम्राज्य कहां से कहां तक फैला रखा है इसकी पूरी डिटेल आने में वक्त लगेगा, लेकिन नारायण साकार हरि की शुरुआती तफ्तीश में उनके रसूख की कहानी हर किसी को चौंका रही है। और इस रसूख की सबसे बड़ी वजह है बाबा सूरजपाल का जाटव बिरादरी से आना। SC ST और OBC में बाबा की गहरी पैठ बताई जाती है। BSP की सरकार में बाबा सूरजपाल की तूती बोलती थी। जाटो बरादरी में बड़े रसूख के चलते लाल बत्ती वाले मंत्री उनके इर्द गिर्द घूमते थे। एटा, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़ जैसे इलाकों में बाबा का जाटा वोट में इतना क्रेज है कि राजनीतिक दल के नेता उनके साथ मंच शेयर करते रहे हैं। खुद UP के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पिछले साल जनवरी में इनके सत्संग में शामिल हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर बाबा की महिमा का गुणगान कर चुके हैं। सूरजपाल के कद और रसूख को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इनके एक इशारे पर इनके भक्त राजनीतिक दलों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो रही बात बाबा के राजनीतिक रसूख की, लेकिन अब उनकी कहानी भी सुन लीजिए जिनकी नजर में बाबा सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि का कद भगवान की तरह है। कासगंज की पटियाली तहसील का ग्राम बहादुरपुर, यानी वो जगह जहाँ से इनके सत्संग के मायाजाल की कहानी शुरू होती है। कभी साधारण से मकान में सूरजपाल जाटव अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे, लेकिन सत्संग ने सूरजपाल की जिंदगी को ऐसा बदला कि देखते ही देखते देश भर में उनके लाखों अनुयायी बन गए और खुद बाबा अरबों की संपत्ति के मालिक। भले ही अब बाबा को भगदड़ कांड का मेन विलेन बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई बाबा को दोषी मानने को तैयार नहीं है। क्या चमत्कार है ये? चमत्कार कुछ नहीं है, चमत्कार परमात्मा है। वो चमत्कार क्या है? बाबा परमात्मा है। परमात्मा, आप लोग उनको परमात्मा मानते हैं? जी, हमारे भूत प्रेतों के चक्कर में भी परेशान थे हम, जो वैसे आपको बताएं, और यहाँ आने जाने से हमारे सारे कष्ट कटे और हमें जो है हमेशा फायदा हुआ है हमें यहाँ कोई, और निःशुल्क मतलब जो है ना कोई चढ़ावा है ना कोई चंदा है। जाहिर है बाबा सूरजपाल की सीक्रेट फाइलों में दर्ज राज जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, वैसे वैसे इस बात का पता चल रहा है कि कैसे एक साधारण से इंसान ने मासूमों का भरोसा जीतकर अरबों की संपत्ति और रसूख अर्जित किया। तो हाथरस हादसे में अब तक 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 4 पुरुषों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है।
ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो लोग हैं जो बाबा से जुड़े हुए हैं और ये वो लोग हैं जो कि व्यवस्था संभाले हुए थे। इन पर आरोप है कि व्यवस्था संभालने के नाम पर इन्होंने और ज्यादा अव्यवस्था फैला दी। 6 गिरफ्तारियां हुई अब तक इस मामले में। गिरफ्तार लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 में 2 महिलाएं और 4 पुरुष हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सेवादार हैं जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे बाबा की ओर से। हाथरस में भगदड़ कैसे मची और 121 लोगों की जान कैसे गई, इसे लेकर अभी भी जांच हो रही है और इसी बीच सूरजपाल से जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब तक पता चला है कि पूरे यूपी में बाबा के 1-2 नहीं तकरीबन 25 आश्रम हैं और हर आश्रम में बाबा के सेवादारों ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन हादसे के बाद से बाबा गायब है और अभी तक वो सामने नहीं आया। पुलिस बाबा की तलाश कर रही है। इस बीच भगदड़ से पहले का सबसे नया वीडियो भी सामने आ गया है, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। कहां किस तरह से देखिए, जिस वक्त बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी, लोगों की जान जा रही थी, वो बाबा उस वक्त भाग रहा था। इस बाबा के सत्संग का पेपर माफिया से भी कनेक्शन सामने आया है। ये अलग अलग तस्वीरें जो बाबा से जुड़ी हुई है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।